करते हैं। आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर सीएम योगी बागपत, ग्रेटर नोएडा जाएंगे मुख्यमंत्री योगी। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम के नोएडा दौरे को लेकर सीएम का दौरा, पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल का करेंगे निरीक्षण। नोएडा में सिटी बस टर्मिनल का भी करेंगे निरीक्षण। 157 करोड़ की तरह लागत से बना है सिटी बस टर्मिनल। 11:35 पर कलेक्ट्रेट सभागार में प्रबुद्धजनों से संवाद और कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज ये काफी अहम दौरा है। मुख्यमंत्री योगी का आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ बागपत, ग्रेटर नोएडा जाएंगे मुख्यमंत्री योगी। कई कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। पीएम के नोएडा के दौरे को लेकर सीएम का दौरा है। हालांकि प्रधानमंत्री का जो नोएडा का दौरा होगा उससे पहले ही ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का दौरा है। पीएम के कार्यक्रम का जो स्थल होगा उसका निरीक्षण किया जाएगा कि कहां पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना है, कैसी तैयारियां वहां पर चल रही हैं, वहां की जगह को देखा जाएगा और निरीक्षण करने के लिए आज नोएडा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे। नोएडा में सिटी बस टर्मिनल का भी निरीक्षण करेंगे। 157 करोड़ की लागत से बना है सिटी बस टर्मिनल। 11:35 समय बताया जा रहा है। कलेक्ट्रेट सभागार में प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे, अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक करेंगे। वसीम सैफी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। वसीम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज नोएडा दौरा। जी, मैं आपको बता दूं, इस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो है ग्रेटर नोएडा के एक्सपो में पहुंचेंगे, जहां पर जो है कल 12 सितंबर को पीएम का जो कार्यक्रम रखा गया है उसका लेकर निरीक्षण करेंगे। और जो है सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ से जेवर एयरपोर्ट के लिए कुछ समीक्षा करेंगे, जो कि 2 बजे दोपहर में वहां पहुंचेंगे और उसके बाद में जो है 2:45 पे जो है सीधा ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपो आएंगे और वहां पर जो कार्यक्रम रखा गया है उसका निरीक्षण करेंगे। वहीं तमाम जो अधिकारी हैं जिला प्रशासन के उनके साथ बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक करने के बाद में जो है जेबीयू यूनिवर्सिटी में जाकर जो है और अपने पदाधिकारियों के साथ में जो है और बैठक करेंगे। उसके बाद में जब शाम तकरीबन फिर दोबारा से ग्रेटर नोएडा एक्सपो आकर जो है उसका निरीक्षण दोबारा किया जाएगा। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि रात्रि को जो है विश्राम भी इनका यहीं पे रहा होगा। प्रधानमंत्री का जो दौरा होना है वसीम, जो प्रधानमंत्री पहुंचेंगे मुख्यमंत्री उसका भी निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे वहां की तैयारियों को लेकर। जी बिल्कुल, ग्रेटर नोएडा एक्सपो में जो इनका कार्यक्रम रखा गया है, जो समिति डेयरी को लेकर जो तमाम जिस तरीके से जिला प्रशासन की तो लगातार तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर जो है समीक्षा बैठक भी की जाएगी और निरीक्षण लगातार जो किया जा रहेगा। वसीम, संबोधन मुख्यमंत्री का आज हो सकता है, क्या लग रहा है, क्या कुछ कह सकते हैं? क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री नोएडा आते हैं तो कोई ना कोई सौगात नोएडा को जरूर मिलती है। जी बिल्कुल, जब सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा का दौरा करते हैं तो बहुत बड़ी लोगों के लिए सौगात होती है, लेकिन अभी कोई ऐसा ही सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि उसको लेकर कोई संबोधन करेंगे। लेकिन ये तय है कि जो जब भी नोएडा का दौरा सीएम का होता है तो बड़ी लोगों में उत्साह होता है और इस चीजों को लेकर काफी देखा गया है। वसीम, अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक कर सकते हैं, बैठक में क्या कुछ हो सकता है, कौन से मुद्दे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो डेयरी समिति को लेकर जो कार्यक्रम कल का रखा गया है उसको लेकर जो तमाम जिला प्रशासन के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे और लगातार जिस तरीके से जो लखनऊ से भी उनके लिए मीटिंग रखी गई है वहां पर भी उसका ध्यान रखते हुए सीधा जो है पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे, पर विषय होगा, चर्चा की जाएगी। बहुत शुक्रिया वसीम आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का बागपत का दौरा है। आज सुबह 10:30 पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम। 10:40 पर मवी कला स्पोर्ट्स स्टेडियम का करेंगे निरीक्षण। स्टेडियम में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से संवाद करेंगे। सीएम योगी का कार्यक्रम जो है 2 से 2:45 तक, यानी 2:45 तक निर्माणाधीन जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। 2:55 से 3:15 तक जेबीयू में रहेंगे मौजूद और 3:20 पर एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे सीएम। 3:20 से 5:00 पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को परखेंगे और जेबीयू में रात्रि विश्राम करेंगे। सीएम आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर बागपत, ग्रेटर नोएडा दौरे पर मुख्यमंत्री आज में बागपत का दौरा भी है और ग्रेटर नोएडा का दौरा भी है। कई कार्यक्रमों में शामिल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। पीएम के नोएडा दौरे को लेकर सीएम का ये दौरा बेहद खास हो जाता है। जो आज का
कार्यक्रम है, प्रस्तावित कार्यक्रम है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार बता रहे हैं कि कब कहां पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्राम कहां पर करेंगे, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। नोएडा पहुंचेंगे और नोएडा को जो बड़ी सौगात आज मिल रही है, बागपत का भी आज ही दौरा है, सुबह 10:30 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम, 10:40 पर मवी कला स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण करेंगे, स्टेडियम में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से संवाद करेंगे, सीएम योगी का जो कार्यक्रम है 2 से 3 बजे तक, निर्माणाधीन जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे 2:55 से 3:15 तक, जीबीयू में मौजूद रहेंगे, 3:20 से एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे सीएम, 3:20 से 5 बजे तक पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को परखेंगे जीबीयू में, रात्रि विश्राम करेंगे सीएम आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर, सीएम योगी बागपत ग्रेटर नोएडा दौरे पर, मुख्यमंत्री योगी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम के नोएडा दौरे को लेकर सीएम का दौरा है।